हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर सीरीज इंडियन स्टेट्स मेडिकल कॉलेजेस फीस एंड सीट्स। सो आज की सीरीज में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में, जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं और कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। उससे पहले मैं आप उन सब लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा जिन लोगों ने हमारे मेडिकल काउंसिल क्लब को ज्वाइन किया। थैंक यू फॉर योर सजेशन, फॉर योर फीडबैक्स, एंड मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों तक हमारे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं वो आप तक पहुँच रहे होंगे। तो आइए देखते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में क्या क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर टोटल 720 सीट्स हैं और एक प्राइवेट कॉलेज है वहां पर जहां पर 150 सीटें हैं। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इनके बारे में। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, 120 सीटें, जहां पर ऑल इंडिया कोटा की फीस है 60,000 और स्टेट कोटा की फीस है 40,000 और 20,000 फीस है एनआरआई की। यहां पर आप जो स्क्रीन पे अगर आप देख भी रहे हैं कि जितने भी कॉलेजेस हैं सब में जो सीट्स भी हैं 120 को सीट्स हैं और सबकी ऑल इंडिया कोटा की फीस सेम है, 60,000 फीस है ऑल इंडिया कोटा के अंदर और एनआरआई कोटा में भी सब सारे कॉलेजेस की जो फीस है वो $20,000 की है और स्टेट कोटा के अंदर भी जो फीस जो है वो 40,000 की है। मैं एक बार कॉलेजेस के नाम आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ। डॉक्टर आरपी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा, SHLBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नेरचौक मंडी, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन, डॉक्टर राधाकृष्ण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंबा। तो ये आपने देखे मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं। और जो एक प्राइवेट कॉलेज की हम बात करें हैं जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं इस टाइम, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी सोलन, जहाँ पर 150 सीटें हैं और 847,000 रुपये जनरल कैटेगरी में जो फीस है और मैनेजमेंट कोटा के अंदर फीस है 14,52,000 रुपया और एनआरआई कोटा के अंदर जो फीस है वो $38,326 जो है वो एनआरआई कोटा में फीस है। तो सो मैं हर सीरीज में आपको बताता हूँ एक चीज़ कि मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना हिंदुस्तान में अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के प्रोसेस को समझना अपने में बड़ा मुश्किल होता है। ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, फिर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, रैंक्स और उसके बाद कॉलेज का सिलेक्शन करना कि कौन से। अब जब हिमाचल प्रदेश में अगर एक ही प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में नाम नहीं आता तो यहाँ के बच्चे जो हैं क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, हाउ दे विल क्रैक द एडमिशंस। तो कहीं ना कहीं तो एडमिशन लेना है आप लोगों को, तो आप लोग जो है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे मेडिकल काउंसिल क्लब को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको इसके बेनिफिट मिले, एडवांटेज मिले। हमारी जो पूरी टीम है आपको काउंसलिंग करेगी, एडवाइस करेगी कि आपकी जो रैंकिंग है उस रैंकिंग के हिसाब से अप्रोप्रिएट कौन कौन सा कॉलेज है जिसको आप क्रैक कर सकते हैं। अभी काउंसलिंग के अंदर खास तौर पर काउंसलिंग के अंदर जब काउंसलिंग शुरू होगी तो काउंसलिंग में कैसे कॉलेज को सिलेक्ट करना है, कैसे चॉइसेस को लॉक करना है और उसके बाद फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड की काउंसलिंग, मॉपअप राउंड की काउंसलिंग, इंस्टीट्यूशनल लेवल की काउंसलिंग, तो इन सब के बारे में पूरी डिटेल में हम आपकी, हमारे जो काउंसलर्स हैं, हमारी जो टीम है एक्सपर्ट्स की, वो आपको गाइड करेगी। तो आप हमारे मेडिकल काउंसलिंग क्लब को जरूर ज्वाइन कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हमारे जो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं आप तक पहुँचते रहें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और बहुत बहुत धन्यवाद।